बताने की बड़ी खबर ये है कि अजीत पवार भी शपथ लेने के लिए अपने घर से निकल चुके हैं। वो अजीत पवार जो 23 नवंबर के बाद से ही कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहे हैं, बिना किसी डाउट के उन्होंने कह दिया कि वो तो डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने जा ही रहे हैं, वो भी अब अपने घर से निकल चुके हैं। यानी कि ऐतिहासिक अजीत पवार बिल्कुल आजाद मैदान, ऐतिहासिक रूप से छठी बार वो शपथ ग्रहण लेंगे उप मुख्यमंत्री की, वो भी इतिहास रच रहे हैं अजीत पवार भी। बिल्कुल, कल चुटकी ली थी एकनाथ शिंदे साहब ने, जब अजीत पवार ने पट से कहा था कि वो डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं, तो एकनाथ शिंदे ने चुटकी ली कि दादा आपको तो अनुभव है, आप तो रात में दिन में सुबह में कभी भी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो अब वो भी अपने घर से बाहर निकल चुके हैं, यानी कि वो भी अपने घर से आजाद मैदान की तरफ कूच कर चुके हैं। और तस्वीरें आप देख लीजिए, अब आजाद मैदान में विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कुल महायुति के 130 विधायक पहुंच रहे हैं, सिर्फ बीजेपी के 132 विधायक हैं, 57 विधायक एकनाथ शिंदे के हैं, 41 विधायक अजीत पवार गुट के हैं, और उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो अब आजाद मैदान में शुरू हो गया है। और वीवीआईपी तो लगातार पहुंच ही रहे हैं, फिलहाल जैसा तस्वीरें बता रही हैं वहां कल्चरल इवेंट चल रहा है या उत्सव मनाया जा रहा है महाराष्ट्र में इस जीत का। और देखिए रणवीर सिंह आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, रणवीर सिंह भी पहुंचे हुए हैं, बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की तस्वीर भी आपको नजर आई। देखिए माया नगरी में ये हो रहा है, और देखिए रणबीर कपूर भी पहुंच गए हैं, यानी कि रणवीर सिंह रणबीर कपूर इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और माया नगरी में जैसे आप फिल्मों में थ्रिलर सस्पेंस देखते हैं, वैसे ही महाराष्ट्र की सियासत में भी थ्रिलर सस्पेंस, क्या हैप्पी एंडिंग होगी, सब कुछ आपने देखा है। और वो अब हैप्पी एंडिंग क्या होने जा रही है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इंतजार 2019 से देवेंद्र फडणवीस कर रहे थे, उम्मीदें थी 2022 में जब एकनाथ शिंदे इधर आए थे और महायुति की सरकार बन रही थी कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे बने उप मुख्यमंत्री के तौर पर, धैर्य रखा देवेंद्र फडणवीस ने और जो काम है उनको वो आगे बढ़ाते रहे। और उन्हीं का कमाल है कि फिलहाल महाराष्ट्र में 21वें मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस शपथ लेने जा रहे हैं। तो